हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्सल पिजन व्लॉग्स। दोस्तों, इस मेल का आपने कुछ दिन पहले रिज़ल्ट देखा है और आज इसका पेयर जो है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कौन सी फ़ीमेल के साथ मैं इसको लगा रहा हूँ। चार फीमेल्स हैं मैंने जो इसके लिए सिलेक्ट की हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करूँगा और वो आपको दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, वो पहले इसने जो है वो वाइट फैंटेल चिक दिया था, फैंटेल फीमेल के साथ इसको मैंने लगाया था। पम बहुत अच्छी है बच्चे की और हैंड टेम के लिए मैंने वो अपने दोस्त को दिया है। और दोस्तों, ये पहली फीमेल है, ये आप देख सकते हैं कि ये वीक सी लग रही है। ये ब्रीड ही ऐसी है फ्रेंड्स, स्मार्ट सी ब्रीड है। पहले भी इस तरह के मेरे पास कबूतर पड़े हुए हैं, पहले मुझे भी था कि ये कमज़ोरी है या फिर इस तरह का कुछ, ऐसा नहीं है। ये रहते ही जो है वो इनकी जो जिसामत है वो छोटी सी रहती है और मुझे लग रहा है कि कबूतर इसके साथ जो है वो परफेक्ट है। शायद यही मैं लगा दूँ कबूतर के साथ, लेकिन ये दूसरी चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये वाली दूसरी है, इसकी टेल वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारी फ़ीमेल जो हैं वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं और ज़्यादा जो है वो वाइट कलर में है, क्योंकि जब मैंने शुरू में फैंसी कबूतर रखे थे तो वाइट फैंटेल ही रखे थे और उनसे फिर कबूतर क्रॉस होकर या जिस तरह भी ज़्यादातर मेरे पास आप ये देख सकते हैं तीसरी भी फैंटेल में हो, लेकिन ये जो है क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बेहतर क्वालिटी है। इस ब्रीड की मेरे पास काफ़ी सारे कबूतर जो है वो पड़े हुए हैं और आप चैनल पर पहले भी जो है आप देख चुके हैं। टेल वगैरह इनकी ठीक है और आंखों के लिहाज से ये प्योर फैंटेल है, बिल्कुल ब्लैक आईज है इनकी, अच्छी फीमेल है फ्रेंड्स। चलें चौथी देखते हैं। तो ये वाली चार नंबर है फ्रेंड्स, ये भी मैंने पहले सिलेक्ट की थी, लेकिन जब मैंने इनको इकट्ठा छोड़ा तो कबूतर जो है वो पहले वाली जो पहली फ़ीमेल है उसके साथ ज़्यादा मस्ती कर रहा था, ज़्यादा जो है वो कुहीं कर रहा था। तो मैंने उसको फ़ीमेल के साथ लगाने का जो है वो इरादा किया है, क्योंकि केज में जो है वो इस तरह कबूतर अगर इसी तरह उसके पीछे मस्ती करता रहे और केज में भी रौनक बनी रहेगी और ब्रीड भी जल्दी करेंगे फ्रेंड्स।